हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर रुचि तिवारी, एकेडमिक कंसल्टेंट इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी. माय टुडेज टॉपिक इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इन दिस टॉपिक आई विल कवर व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट्स डेवलपमेंट इन वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया एंड ऑल्सो इट्स स्कोप. सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी से. क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक मेन ब्रांच है और आजकल काफ़ी डिमांड में भी है. क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेन फोकस होता है मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के साथ साथ लर्निंग डिसऑर्डर्स, अल्कोहलिज्म, एन्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट थेरेपी के द्वारा करना. बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेस होता है डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन. क्लिनिकल साइकोलॉजी में पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, उसकी समस्याओं को सुनकर उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज को पहचाना जाता है, फिर उसे थेरेपी के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया जाता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी में तीन चीज़ें जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, साइंस, सिम्टम्स एंड इंटरवेंशन. कि प्रॉब्लम जो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसके क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स और उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट हमें देना है. इन तीनों को ध्यान में रखकर ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट की मदद करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनुष्यों को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में तथा उसे अडाप्ट करने में मदद करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग अलग संस्कृतियों में और सभी सामाजिक आर्थिक स्तरों पर तथा मानव जीवन के बौद्धिक, भावनात्मक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो रिसर्च करने में और लोगों को क्या पसंद है और वह ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस पर रिसर्च करता है. तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन वर्ल्ड वाइड. तो अब हम ये जानेंगे कि देश में, पूरी दुनिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी को कब पहचाना गया. तो द ऑफिशियल बर्थ ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड इन 1896 when Leitner Whitmer opened the first psychological clinic in Philadelphia, Pennsylvania. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के आधिकारिक जन्म का पता 1896 से लगाया जा सकता है जब लाइटनर विटमर ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में पहला मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खोला था. इन्हें ही क्लिनिकल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है. इसके बाद 1906 में मॉर्टिन प्रिंस ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जर्नल का पब्लिकेशन शुरू किया. इसके बाद 1907 में द साइकोलॉजिकल क्लिनिक नामक क्लिनिकल साइकोलॉजी की पहली पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें बच्चों की मानसिक स्थिति के ऊपर किए गए प्रयोगों का वर्णन किया गया है. इसके बाद 1909 में जेवी माइनर ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में एक मानसिक विकास क्लिनिक खोला. आफ्टर दैट हीली ने 1909 में शिकागो में जुवेनाइल साइकोपैथ इंस्टीट्यूट की स्थापना की. इसके बाद 1919 में APA ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए एक नया डिवीज़न शुरू किया. इसके बाद से ही क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक नया मुकाम हासिल हुआ. इसके बाद 1960 में मनोविज्ञान की पहली शोध पुस्तक एबनॉर्मल और सोशल साइकोलॉजी की पत्रिका प्रकाशित हुई. तो ये था क्लिनिकल साइकोलॉजी इन वर्ल्ड वाइड. अब हम जानेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुई. तो अब भारत में अथर्ववेद ने हमें पहले ही मानसिक रोगों और उसके उपचार के बारे में बताया था. इस समय लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे. वे मानसिक समस्या से ग्रसित लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया मानते थे और वे कहते थे कि जो भी मनुष्य इस तरीके की हरकतें कर रहा है वो उसके अंदर आत्मा का साया है. तो वो इन समस्याओं को झाड़ फूँक से ठीक कराने का प्रयास करते थे. इसके बाद 1915 में भारत में नैदानिक मनोविज्ञान शुरू हुआ. 1919 में कोलकाता में लुम्बिनी पार्क मानसिक अस्पताल में साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की गई. इसके बाद 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मनोविज्ञान को स्कूल ऑफ साइंसेज में रखा. इसी के बाद से साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिला. इसके बाद द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में हुई और फिर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हाइजीन की स्थापना 1943 में हुई. 1969 में भारतीय नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने अखिल भारतीय संघ शुरू किया. यहाँ से भारत में क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक नई शुरुआत हुई और उसे एक नई पहचान मिली.
इसके बाद हम जानेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी किन किन चीज़ों की स्टडी करता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी मनुष्य में किसी भी तरीके के डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज, डिसफंक्शनिंग, माल एडजस्टमेंट, साइकोपैथोलॉजी और ट्रॉमा, इन सब चीज़ों की स्टडी करता है। ट्रॉमा होता है कोई आघात, जैसे कि किसी अपने किसी करीबी को खो देना, जैसा कि हमने अभी रिसेंट ही जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, हमने उसमें देखा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। इसके अलावा बच्चा कभी क्लास में फेल हो जाता है तो उसको उसका बड़ा एक ट्रॉमा लगता है, आघात लगता है कि उसने इतनी मेहनत करी और उसके बाद वो फेल हो गया। या किसी भी तरीके का कोई भी ट्रॉमा, किसी का ब्रेकअप हो जाना, किसी नियर या डियर वन का गुजर जाना, ये सारी चीज़ें इसके बाद जो क्लाइंट की मेंटल कंडीशन होती है उसको जानना और उस मेंटल कंडीशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये सब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का कहाँ कहाँ पर स्कोप है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है, जो भी जितने भी मानसिक चिकित्सालय होते हैं उनमें वहाँ कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स, स्किजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और बायोपोलर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके अलावा न्यूरोटिक और जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट मेंटल हॉस्पिटल में किया जाता है। वहाँ उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, इसके अलावा थेरेपी के द्वारा भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी स्कूल सेटिंग्स में भी यूज़ की जाती है। स्कूल्स में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि वो ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चा किस तरीके से अपने स्कूल में एडजस्ट कर रहा है, क्या वो अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, कहीं उसको कोई पीयर प्रेशर तो नहीं है या उसको कोई फेयर तो नहीं है, किसी से कोई डर तो नहीं है, इसके अलावा उसको किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे एनजाइटी डिसऑर्डर है या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसे हम ADHD के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसे हम ASD के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कई तरीके का डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, फोबिया है, इस तरीके की भी कोई समस्या है अगर बच्चे में, तो इन सब चीज़ों को जानकर उनको उनका ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा चाइल्ड गाइडेंस ट्रीटमेंट होम में भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चों को किसी तरीके की अगर मानसिक समस्या होती है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर सेपरेशन एंजाइटी है, या फिर इसके अलावा बच्चे में ADHD की प्रॉब्लम है या ADHD IQ की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन IQ की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है, पता लगाया जाता है और बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग इंडस्ट्रियल गाइडेंस सेटिंग में भी किया जाता है। अगर इंडस्ट्रियल गाइडेंस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि वो वर्कर की समस्याओं को पहले तो समझने की कोशिश करता है कि उसको अपने जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है उसमें उसको किस तरीके की सब प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसको ट्रीट करने का की कोशिश की जाती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लक्षण अन्य स्थितियों की तुलना में वर्क प्लेस में अलग हो सकते हैं, ये सब जानने का प्रयास भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें करता है। इसके अलावा इन डिसऑर्डर्स के कारण जो इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर है वो एब्सेंट हो सकता है, अगर उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, अपने वर्क प्लेस में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहाँ जाना कम करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ करने लगेगा। ये एक जिससे इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, क्योंकि अगर वर्कर जाएगा ही नहीं तो काम होगा नहीं, तो ये चीज़ें जानने का प्रयास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से वर्कर में और एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेशन कैसे डेवलप करना है, कैसे उन लोगों को अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री सेटिंग में बताता है। इसके अलावा
क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग जेल एंड रिफॉर्मेटरी में भी होता है। इन जेल में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया होता है, तो यहाँ पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ये जानने की ज़रूरत होती है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये क्रिमिनल माइंड आने का कारण क्या है, मतलब ये क्रिमिनल उसका माइंड में ये क्रिमिनल थॉट आया कैसे, ये जानने का प्रयास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। और वह ये भी जानने की कोशिश करता है कि वो क्या ऐसे क्या सिचुएशन थी, ऐसा क्या कारण था, ऐसा ऐसे क्या रीज़न था जिसकी वजह से एक व्यक्ति ने इस तरीके का क्रिमिनल अटेम्प्ट किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जान करके उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, मतलब जो क्रिमिनल है उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सब हम क्लिनिकल क्लिनिकल सेटिंग में बताते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ डी एडिक्शन सेंटर में होता है, जहाँ पर कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको या तो शराब की लत होती है या फिर वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर है, उनको ड्रग के नशे में उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि वो कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो इसकी वजह से उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा उनको OCD की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हेल्यूशनेशंस और डिल्यूजन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डी एडिक्शन सेंटर में ट्रीट करते हैं कि और उनको थेरेपी दी जाती है जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग ओल्ड एज होम में भी किया जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि 60 ईयर्स से अबव जो लोग होते हैं, इस एज से ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक होती है। और एक रिसर्च में पता भी चला है कि 6.6 से अधिक लोगों को मानसिक विकलांगता और न्यूरोलॉजिकल विकारों को फेस करना पड़ता है अपनी ओल्ड एज में। तो इस प्रकार की समस्याओं को जानने का प्रयास, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है और कैसे वो जो लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, वो कैसे अपना अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाता है। उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग NGO में किया जाता है। NGO किसी भी तरीके की NGO हो जहाँ पर कि पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मानसिक सुरक्षा प्रदान की जाती हो। तो ये कुछ फील्ड्स थे जहाँ पर कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिले, और इसी सीरीज़ में हम आगे भी अपने कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे जो आपको आपके पढ़ाई में मदद करेंगे। थैंक यू। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।